चेंज हुआ है और आज 3:30 बजे समय रखा गया है सभी की सुविधाओं को देखते हुए। तो सभी का स्वागत है, मेरे गुरुजन, मेरे जूनियर्स, सीनियर्स और बैचलर्स सभी का इसमें हार्दिक स्वागत है। और विशेष रूप से हमारे एकेडमी के अध्यक्ष पवन सर और सेक्रेटरी अतुल वाश्रे सर, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर ई शर्मा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज शायद हमारे धनवंतरी गणेश जी, हाँ हेलो धनवंतरी पूजन हो सकता है? ठीक सर। नहीं सर, वो बैटरी चली नहीं रही है। ठीक कोई बात नहीं। मोबाइल से ज्वाइन किया मैंने आज। अच्छा, आज थोड़ा हाँ सा कुछ इनके लैपटॉप में समस्या हो गई है, आज जो है हमारा जो वीडियो चलता है वो आज नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम यहीं से भगवान धनवंतरी को हाँ प्रणाम करके अपना कार्यक्रम शुरू करते हाँ हैं। श्लोक बोल सकते हैं वो, अगर नमामि धन्वंतरी आदि देवम वाला मैं बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, हाँ आप बोल बहुत दीजिए, जरूरी बस है। अपने वाला एक निवेदन मिनट, करूंगा कि वो धनवंतरी वंदना का श्लोक बोल के कार्यक्रम की शुरुआत करें। सब लोग हाथ जोड़ के मन ही मन दोहराएंगे, नमामि धन्वंतरि आदि देवम सुरा सुरै वंदित पाद पद्मम लोके जन रुक भय मृत्युनाशम दाता रमीशम विविधौषधीनां। चहु जय धन, धन्यवाद। धन्यवाद एवरीवन। अब मैं सबसे पहले से हमारी परंपरा है अपने आज के स्पीकर डॉक्टर ई शर्मा जी का परिचय देना चाहूँगा। वैसे तो बॉस की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात है, जैसा कि अतुल बॉस ने ग्रुप में डाला भी था। तो शुरुआत उन जो है डॉक्टर ई शर्मा जी ने MD अपनी रोग निदान से NIA से करी थी और 99 बैच था, और उसके बाद उन्होंने PhD करा राजस्थान यूनिवर्सिटी जोधपुर से, और कुल मिलाकर 20 ईयर्स का टीचिंग और एकेडमिक एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ सर ने जो है अपने ट्रेनिंग और एकेडमिक प्रोग्राम्स और पेशेंट केयर प्रोग्राम्स जो है वेरियस यूरोपियन और एशियन कंट्रीज में भी दे रखे हैं, और वो उसकी कोई लिमिट नहीं, बहुत सारे काफ़ी प्रोग्राम्स करे हैं। मतलब उन्होंने अलग अलग, हम लोग जब एजुकेशन लाइफ में थे तब भी बहुत कहीं ना कहीं जाते रहते थे, तो उनके बहुत विजिट्स हैं यूरोपियन कंट्रीज में भी और एशियन कंट्रीज में भी, जहाँ पर उन्होंने पेशेंट केयर आयुर्वेदा के थ्रू और जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनको कंडक्ट कराया। वहाँ पर चार बॉस ने चार बुक्स जो है लिखी हैं, उसके ऑथर्स हैं वो, और टोटल 15 रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में। उसके अलावा बॉम्बे के आयुर्वेद कॉलेज में जो हेड के रूप में काम करा है, और प्रेजेंट में जो है वो कंट्रोलर एग्जामिनेशन गुरु रविदास यूनिवर्सिटी होशियारपुर में जो है कार्यरत है। और हमारे आयुर्वेद निदान परिवार के लिए एक गर्व की बात और भी है कि डॉक्टर ई शर्मा जी का एकेडमिक चेयर इन आयुर्वेदा मॉरिशस में भी सिलेक्शन हो चुका है, और हमारे निदान परिवार के लिए गर्व की बात है, और मुझे लगता है शीघ्र ही वो जो है वहाँ ज्वाइन भी करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप अच्छे से करें, बढ़िया आयुर्वेद का नाम रोशन करें, और कर रहे हैं आप, और देश में ही नहीं विदेश में भी आप आयुर्वेद की ख्याति फैला रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब मैं बॉस से निवेदन करूंगा कि जो है आकर अपना लेक्चर शुरू करें। थैंक यू विवेक एंड थैंक यू रोग निदान परिषद फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई गॉट दिस मैसेज फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम विवेक एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। एंड एज वी आर कंटिन्यूइंग विद द अष्टविध परीक्षा सीरीज, सो नाड़ी मूत्र मलम यहाँ तक हो चुका है और जीवा पेंडिंग था, तो वी हैड डिस्कशन के जीवा पर कुछ, जीवा एग्जामिनेशन पर, टंग एग्जामिनेशन पर कुछ डिस्कस किया जाए। तो ये भूलते हुए कि इसमें, इस ग्रुप में मेरे टीचर्स भी हैं, मैं रीड आउट माय कंपाइलेशन बिकॉज आई हैव गॉट नथिंग टू टीच टू देम, जिनसे हमने सब कुछ सीखा है और अभी भी सीख रहे हैं। तो बहुत अच्छा एंडेवर है और बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छा एक अटेम्प्ट है रोग निदान परिषद जो कर रही है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइंड अ स्पेस इन दिस ग्रुप टू बी मोर एक्टिवली एसोसिएटेड। तो रोग रोगी परीक्षा में हम लोग बहुत अच्छे से बार बार पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं कि अष्टविध परीक्षा की इम्पोर्टेंस जो है हम सब जानते हैं। एंड मे बी कैन वी लुक फॉरवर्ड टू स्क्रीन शेयरिंग विवेक। यस सर,
गणेश जी? हाँ सर, अलाउड किए हैं सर। अच्छा अच्छा अलाउड कर रहा था वो आपको। बस स्क्रीन शेयर करिए आप। हेलो। हाँ वो शेयर करिए, अलाउ कर रखा है। शेयर स्क्रीन आपको क्लोज भी बना दिया है, आप शेयर स्क्रीन करिए एक बार। ओके, मुझे मेबी मैंने कभी किया नहीं पहले। नहीं, आप शेयर स्क्रीन पे ऑप्शन दबाइए, वहां पर जो नीचे ऑप्शन है शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन होगा या प्रोजेक्ट स्क्रीन होगा, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि वो आप डॉक्टर गणेश के पास आया नहीं उनका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट मुझे नहीं सर। नहीं, डायरेक्ट शेयर कर सकते हो एक बार। शेयर डायरेक्ट शेयर सर, शेयर स्क्रीन पे। ओके, एक बार शेयर स्क्रीन ऑप्शन को दबाइए सर। यू कैन सी द ऑप्शन राइट बिलो द स्क्रीन, टॉगल होगा वहां पे ग्रीन कलर में। डॉक्टर गणेश आपने मंगाया नहीं, मैंने कहा था अब आगे से आप इमरजेंसी के लिए मंगा लिया करिए किसी से भी। आई कैन फाइंड दिस शेयर स्क्रीन, लेकिन समहाउ मुझे इसमें ऐड करना नहीं आ रहा है। एंड मेल कर दीजिए डॉक्टर, इनको डॉक्टर विवेक को मेल कर दीजिए, ये अपने यहाँ चला देंगे। डॉक्टर विवेक को मैंने व्हाट्सएप कर रखा है। विवेक उसको मेल पे ले लो इनके पीपीटी को। आप व्हाट्सएप भी कर देंगे ना, तो व्हाट्सएप से आप। हाँ सर बोल रहे, व्हाट्सएप कर देंगे। नहीं तो ये सर आपके इससे आप लैपटॉप से कनेक्टेड है ना सर, आपसे होगा। नहीं मैं डेस्कटॉप पे हूँ। हाँ हाँ चलेगा, मैं एक बार देखता हूँ व्हाट्सएप कनेक्ट करता हूँ। हाँ इनका व्हाट्सएप खोल के व्हाट्सएप कनेक्ट कर लो, फिर हो जाएगा। डॉक्टर गणेश आप सबसे पहले पीपीटी मांगा लिया करिए मेल पे। जी सर, है ना, वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि कभी भी टेक्निकली प्रॉब्लम हो जाती है ये। हाँ तो ये आप ही वक्ता से सीधे कह देंगे ना। तो विवेक सर, हाँ सर, वो आप गणेश सर को फॉरवर्ड कर दीजिए ना व्हाट्सएप पे, वो अपने मोबाइल से कर देंगे। सर मोबाइल से पीपीटी शेयर नहीं होगा, आज मैं मोबाइल से, मेरा लैपटॉप चल नहीं रहा है, तो विवेक सर से ना। विवेक सर ही कर लेंगे, देख लेंगे। हाँ, हो जाएगा। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सर, अभी वो मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि हेलो शर्मा सर, कैन यू हियर मी? हेलो शर्मा सर, हेलो। हाँ सर बोला ना। शर्मा सर कैन यू हियर मी? ईश शर्मा सर है? हेलो। हाँ सर, शायद वो लेफ्ट हो गए, आवाज नहीं। हाँ शर्मा सर, शर्मा सर नहीं है सर, लेफ्ट हो गए शायद। नहीं नहीं शर्मा सर है, नहीं नहीं है वो, अनम्यूट माइक ऑफ किया है शर्मा सर ने। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट। गणेश उनको फोन कर ले। जी सर, सर नहीं है अभी वो, उन्होंने अनम्यूट कर रखा है, वो म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करने को बोलो। म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करना पड़ेगा। शर्मा सर अनम्यूट करिए अपने आप को। गणेश फोन कर, फोन। हाँ
हाँ सर, ओहो स्क्रीन को टच करके रेड माइक को टच करिए जी, अनम्यूट कीजिए ना अपने आप को। ओके सर, या अनम्यूट हो गया। ओके मैं स्क्रीन शेयर ट्राई कर रहा हूँ सर, अगर हो जाता है तो। हाँ शर्मा सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, वो ग्रीन में, ग्रीन कलर में शेयर स्क्रीन ऑप्शन है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ उसको क्लिक कीजिए। ठीक है। हाँ उसको क्लिक, हाँ आया, उसको क्लिक करने के बाद आने लग गया। चलिए आपके इसमें देखिए आ गया बस आ गया है। चलिए वाइट कर दीजिए सर। Is that fine, Vivek? हाँ आ गया, बस आ गया। Okay, we can start. So we were discussing that we are continuing with the series अश्वद परीक्षा, और नाड़ी मूत्र मल हो चुका है तो जीवा परीक्षा पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। This is as we all know, all these concepts are very. इसको स्लाइड शो में डालिए, फुल स्क्रीन करिए इसको। लाइट में इधर होगा, स्लाइड शो ऑप्शन होगा। Just a minute, हाँ। Sir, on the left lower corner. Yeah, is that fine? हाँ, हो गया। Yes, now busy with. Okay. Okay. So this jiva, as we all know, that this is composed of rakta, kapha, and mamsa. Rakta because it is very vascular, kapha this is always moist, and mamsa because this is a muscular organ. And as per the Western aspect, this originates from endoderm, and normally it should be shuchi, shlakshan, medium sized, well fitting into the buccal cavity, thin, pink, with no markings, no dentition marking, and no engorged veins. It reflects the status of agni, prakriti, and vikriti. And this is easier to read than pearls. So this should be the first examination and should be given due importance, because this reflects so many conditions and situations. Okay, the examination should be done at a well lit place, and we have to observe the surface color, size, coating, veins, moisture, movement, etc. The color normally is uniformly light pink. The shape should be a tanu and sam. Moisture should be shlakshan. Coating should be nirlipt or ishat lipt. And the movement should be akamp. If we hold it out, it should be akamp. It should not be, there should not be any tremors. And the dosha wise features are, vataj will be sheeta, kharasparsha and sutita. Pittaj jiva will be rakt, peet and shyama. Kafaja will be Shubhra and with Dravadik. Sannipataj will be Krishna, Sakantaka and Shushka. And Dvandaj will be having mixed features. These we have to observe. Normal symptomatology, normal symptoms what we observe through tongue are, there can be pain, a burning sensation, edema, abnormal movements, taste disorientation, drooling and speech impairment. These are the commonest symptoms what we observe through tongue. And two ama symptoms, nishthiva and aruchi, they directly relate to tongue, and that is why this very well reflects the status of ama situation in the body. There is one text, Vaidyasar Samgraha, which has given some unique features. It has mentioned that paniyam ashnam shadrasam na rochte in jwara. Then a new concept is jiva mule malinta hi agre bhavti nirmala, in vatkapha disorders. And Nirmala Muladeshe to Agre Malinatva is in Vatapitta disorders. These need to be explored, and we really can come out with this. We can establish this fact. Does it work for all the Vatapitta and Vatakapha conditions or not? And then Madhya Nimna Vishalagra in Shiroroga, it has been advised. And Dirga, Ati Dirga or Ati Sankochit in chronic disorders. These are some concepts given by Vaidyasar Samgraha, which is a 16th century text. Size, now we come to size, color and the texture. Dirgha jivva can be seen, macroglossia can be seen in acromegaly, myxedema, angioedema, amyloidosis, tumors, hemi-hyperplasia, Down syndrome,
and can show as a scalloped tongue. And risvajiva, microglossia can be seen in pseudobulbar palsy, facial hemiatrophy, starvation, and so many beach doshas. And these both present mechanical signs and symptoms. So we have to observe accordingly. Color, it can be pale, shvetabha in anemia, panduroga, malnutrition, lichen planus, HIV, and leukoplakia. It can be pale in its color. It can be paridagdha, red raw or angry looking, sprue, pellagra, severe and untreated diabetes, prolonged febrile illnesses, vitamin B12 deficiency, pitta vriddhi, and sanipata jwara can show red tongue. Geographic tongue, as you see the picture, is a very common finding, and this is usually normal. This might not be having any pathological implication, and this might be left untreated as well. Geographic tongue can come up in many colors, in many shades. Hairy tongue, this is a hypertrophy of papilla, and this also normally is found to be in normal subjects. This might not be having any symptoms at all. These are non-bothering usually, can be ignored. Median rhomboid glossitis, this also is found normally and can also be found in fungal infections. If there are some symptoms and burning sensation, then we have to look for the fungal infection. If this is asymptomatic, then this can be ignored as well. Median rhomboid glossitis. Then white tongue can be seen in lichen planus, immunocompromised patients, kaphakshaya and ojakshaya. Neel or bluish can be central cyanosis, and madatya and asadhya lakshan is indicated by this bluish tinge. Purple can be seen in polycythemia vera and pitta vritti. Furred tongue can be normal and can also be found in fevers, smoking, poor oral hygiene, sanipata jwar, amlapitta, and prameha pururupa. These can show furred tongue, but can be a normal finding as well. So can be left untreated. Oral lichen planus is a very common condition, and this has to be paid very serious attention to. Candida is a fungal infection, can show a very heavily coated white tongue, and there can be dark red or bluish red tongue in polycythemia vera, riboflavin deficiency, rakta vritti. Strawberry and paridagdha tongue can be seen in scarlet fever, Kawasaki disease, toxic shock syndrome, and sanipata jwar. Pitta can be seen in jaundice, that is kamala, kumbh kamala, purana pandu. Black tongue can be normal and can also be seen in fungal infections and with the usage of iron, bismuth, opium, tobacco, and vatavritti can show black tongue. Atrophic glossitis, this is a loss of papillae, and this can be seen as a bald tongue and can be seen in this magenta color. Beef red tongue is very common with vitamin deficiency, and this can also show this atrophy of papilla. Aphthous ulcer, this is a very common finding and very painful condition where this ulcer can be seen on the sides of the tongue and can be treated with maybe vitamins or Ayurveda treatment can be given. But this is a very common finding and is one of the most painful conditions. There can be some conditions like burning mouth syndrome where no abnormality will be seen with the tongue, but there will be severe and very disturbing kind of burning sensation in the mouth. Burning mouth syndrome, and dryness can also be observed, which is possible with the dehydration, vomiting, diabetes mellitus, mouth breathing, uremia, and many drugs can lead to. Yes, sir. Yeah, it's Radhya. Can I continue, sir? Continue, Ramos. Okay. Then bone dry tongue can be seen in Chokra syndrome, and which is an extreme vata vritti. Pigmentation can be seen in Peutz-Jeghers syndrome, malabsorption, Addison disease, ACTH producing tumors, Albright syndrome, and Nelson syndrome can show pigmentations. Then we have to observe surface. Surface can be a very smooth or bald tongue with the atrophy of papilla, like in iron deficiency anemia, pernicious anemia,
vitamin B complex deficiency, malabsorption, and kaphaishamya. The tongue can be atitanu or very smooth. Kharjiva or kantakjiva facial tongue can be seen in vitamin B deficiency and acute glossitis, acromegaly, and congenital. Now, a hairy tongue, geographic tongue, and facial tongue can be normal as well. So if there are no symptoms, then these might not need any treatment. Now, fissure tongue, this also is a normal kind of finding. There is no symptom. This can also be ignored. Squamous cell carcinoma, this is found on the sides and on the ventral surface of the tongue, and such an ulcer cannot be overlooked. And this surely can, this is a malignant tumor and can metastasize, so should be observed in early states. Scrotal tongue is a special tridosha kind of situation which is not commonly seen. Scarred tongue, scars on the mouth can be traumatic, secondary to ulcers from tongue biting, as in epilepsy, and surely are abhigataj. And mushroom-like tongue can be seen, which will be like covered with a whitish slough, and in acid poisoning, we can see mushroom-like features on tongue. Movements have to be observed. When we have observed the color and the texture, then we have to observe the movements as well. Now, slow rhythmic tremors can be seen, which is common with Parkinsonism, and also in a GPI. Lizard tongue, jack-in-the-box or wasping tongue, that is, the tongue is moving in and out without any, like, which is involuntary in and out movement of tongue, which is seen in rheumatic chorea, and anti-emetic medicine adverse drug reactions. Many anti-emetic medicines can show a drug reaction where the patient cannot control the tongue, and it would be moving out and in of mouth without any control. And Trishna Nirodha can also show lizard tongue-like movement. The tardive dyskinesia, patient cannot move tongue very frequently. And restless tongue from anxiety. The patient can be moving tongue very like uncontrollably. This is a feature of anxiety, restless tongue. Deviated tongue can be seen in hypoglossal nerve paralysis, or malignant infiltrations, severe ulcerations, facial paralysis, can show deviated tongue. Subdigiva, immobile tongue can be seen in bilateral lingual paralysis, cerebral bulbar palsy, syringomyelia, and motor neuron disease can show subdigiva. Patient cannot move tongue very well. Sluggish and slow movement can also be seen in mental retardation, very common with the cerebral palsy, where the spastic kids cannot speak properly because of a sluggish tongue movement, and they cannot control salivation, leading to two very common features of a cerebral palsy, that is drooling and like impaired speech. Jiva stump can be seen in myasthenia gravis. These are the movement disorders. Now, classification, what are the common classes? Tongue pathology can be congenital, where there can be an absence of tongue. Size can be macroglossia or microglossia. There can be tongue drop. Tongue tied can be there. Bifid tongue can be there. And ossified tongue can be there. There can be some cartilage or bony growth inside the tongue, which is very rare. These are the congenital kind of disorders. There can be vascular problems like ventral veins engorgement, which we can see on the ventral surface of the tongue. There can be engorged veins. Then hemangiomas can be seen. Infective conditions are many. Infective conditions, they are like hairy leukoplakia with Epstein-Barr virus, median rhomboid glossitis, candidiasis with candida, syphilitic tongue can be there. Traumatic tongue is very commonly found with the which presents through like a tongue bite and a crenated tongue, where there can be tooth markings on the sides of the tongue. Then autoimmune diseases like Sjögren's syndrome and xerostomia can be there, which present through tongue. Inflammatory tongue conditions like lichen planus and glossitis are very common. Neurological conditions like atrophy, fasciculation, especially with the hypoglossal nerve, Bell's palsy, and motor neuron disease can be the neurological origin disorders which reflect through tongue. Neoplastic, then squamous cell carcinoma is the commonest, and lateral and ventral surfaces are involved most of the times. Environmental, atrophic glossitis from iron, vitamin B12, folate deficiencies, black hairy tongue from smoking and tobacco. These are the environmental kind of tongue disorders. And I will be concluding here only, Vivek. So maybe if we can have some discussion, or we can have some
like light upon all this from Pavan sir and the seniors. Hello. हाँ बस आवाज आ रही है. Yes Vivek. हाँ. अब जो है मैं सभी अपने श्रोताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने अपने अनुभव शेयर करें जीवा परीक्षा के ऊपर और टैंक एग्जामिनेशन के ऊपर. और बॉस ने जो है बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट में इसको, क्योंकि जैसे हमें कहा भी गया कि टैंक को जो है फेयर ऑफ डाउन माना गया है, तो उस हिसाब से सारा जितना टैंक में दिखाई देता है आयुर्वेद के अनुसार मॉडर्न अनुसार काफ़ी उसको कवर करा है. हेलो हेलो हेलो. हाँ नमस्कार विवेक जी. नमस्कार सभी को. ईश्वर. हाँ नमस्कार मैडम. हाँ दीप्ति मैडम कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो अष्टमी परीक्षा की शुरुआत करी थी वो हाँ, बस इसी के लिए बधाई देना चाहती हूँ कि अष्टमी परीक्षा अधूरी अधूरी रह गई थी हमारी, तो इसलिए ईश जी को बधाई देना चाहती हूँ मैं कि आपने मेरे वो अधूरे कार्य को आज जो है. नहीं नहीं मैं तो बोलता हूँ, तो परीक्षाओं के लिए बोलता भी हूँ कि जो भी इंटरेस्टेड हो, तो कोशिश यही है कि हमारी अष्टमी परीक्षा दशमी परीक्षा और बाकी जितनी परीक्षाएं वो सारी कवर हो, कम से कम आयुर्वेद की विधा तो हमारी कम्प्लीट हो जाए, उसके बाद तो कंटिन्यू टॉपिक चलते ही रहते हैं सारी चीजें. हाँ जी, क्योंकि ये जो अष्टविध परीक्षा जो आया है रोग निदान का एक जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट और बेस टॉपिक है, तो इसको तो कंप्लीट होना ही चाहिए. तो इसलिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, बधाई देती हूँ. प्रेजेंटेशन अच्छा रहा, मैंने बहुत लास्ट में ज्वाइन किया थोड़ा सा, मैं इसके लिए माफी चाहूंगी. लेकिन नहीं नहीं काफी सारी जिह्वाओं को और टंग को कम्प्लीट कर दिया है और उसके थ्रू जो है अब बाकी हमारे अब सभी साथीगण जो है हमारे गुरुजन अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो उससे और बस मुझे बस ये अच्छा लगा देख करके कि अष्टविध परीक्षा जो हमारी अधूरी रह गई थी, चलो वो थोड़ी सी पूर्णता की ओर है. अभी कहने वाला था इस चीज को जो है, मैंने कहा इस परंपरा को आगे बढ़ाया है और आशा है कि हमारे आगे आने वाले कोऑर्डिनेटर भी इस चीज को आगे ध्यान में रखते हुए बढ़ाएंगे और कम से कम अपनी पूरी अष्टविध परीक्षा को कम्प्लीट करेंगे इसको. जी जी ठीक है सर. और कोई श्रोतागण अपने जो है. जी नमस्कार. हाँ मुझे ऐसा लगता है इसमें दो बातें छूट गई है. जस्ट एडिशन, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है. एक कैन यू हियर मी ऑल. हाँ जी हाँ जी. हाँ एक कंडीशन है अपने यहाँ बताई, जीवक सन्निपात ज्वर, ज्वरों में जीवक सन्निपात ज्वर में उसका टिपिकली खासियत बताया कि वो जीवा इन्फ्लेम्ड हो जाती है. इतना इन्फ्लेम्ड हो जाती है कि पेशेंट बोल भी नहीं पाता है और उसको टॉक्सिक ज्वर के फीवर के जितने लक्षण है वो सब मिलते हैं. एक ऐसी सिमिलर कंडीशन मॉडर्न साइंस में भी मिलती है जिसमें अपन स्कारलेट फीवर में जो एक बार उल्लेख भी हो गया है उसका, जो इनिशियली तो कोटेड रहती है पर बाद में इन्फ्लेम्ड हो जाती है रास्बेरी टाइप की, वैसा ही. और हम वो जीवक सन्निपात ज्वर को उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं और ये जीवा का वो टिपिकली उसका नाम ही उन्होंने जीवक सन्निपात फीवर दिया है, ज्वर दिया है, क्योंकि जिह्वा इतनी रेड हो जाती है कि पेशेंट बोल भी नहीं पाता है. एक चीज ये, और दूसरी बात ये कि जिह्वा के जो रोग है जिह्वागत रोगास दे शुड हैव बीन इंक्लूडेड. और जो ड्राइनेस की बात हुई है तो ड्राइनेस अपने यहाँ जितनी भी औपसर्गिक तृष्णा बताई है, श्वास रोगज तृष्णा है, ज्वर रोगज तृष्णा है और बाकी तृष्णा उसमें वमन अति योग में, विरेचन अति योग में, उन सारे योग उसमें उन सारे कंडीशंस में ड्राई टंग अपने यहाँ बताई है. सो फ्रॉम आवर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू दैट केयर इज वेरी इम्पोर्टेंस एंड सेम थिंग हैज बीन मेंशन इन मॉडर्न साइंस आल्सो. परफेक्ट. थैंक यू डॉक्टर सुभाष फॉर द सजेशंस एंड श्योरली दिस विल बी एडेड. और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कर सकता है. अब मैं अपने एकेडमी और उद्यान के प्रेसिडेंट पवन सर को निवेदन करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन दें आज के विषय के ऊपर. पवन सर. यही हूँ. हाँ सर. ये फोटोग्राफिक प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा लगा इस जी.
पहली बात तो ईएसजी को खींच कर ले आए विवेक जी, ये एक बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा लगा ईएसजी आपको पुनः सक्रिय देख के। सुभाष वागे जी ने एज यूजुअल अपने वैल्यू एडिशंस किए हैं और युवा परीक्षा। आई एम ऑडिबल? हाँ ऑडिबल सर। मेरी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर सुनाई दे रही है सर। अच्छा पवन सर ओके। तो सुभाष जी आपने जो सजेशंस दिए वो काबिले तारीफ है, पर हमारा ये जो युवा परीक्षा वाला चैप्टर है वो अब पूरा नहीं हुआ आसानी से। इसको हमारे शास्त्र की भी सहायता से उपमृण तो होना ही चाहिए, पर अटेम्प्ट बड़ा अच्छा था विवेक जी का। और ईश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इस जीववा को कोई हाथ नहीं लगाता है जनरली जीववा परीक्षा में। मैंने स्टूल एग्जामिनेशन भी लोग कर लेते एक बार, इन जीववा परीक्षा का कोई अगर सब्जेक्ट दे तो कोई तैयार नहीं होता आसानी से। पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी अष्टविध परीक्षा के प्रण को पूरा करने की तरफ एक बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया। थैंक्स अ लॉट, है ना? थैंक यू सर। हम देखे तो अष्टांग हृदय शारीर स्थान में उसके नॉर्मल जीवा का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है कि नॉर्मल जीवा कैसी होनी चाहिए, और उसके बाद तो ग्रंथों में ढेरों सारे जो उसके कलर कैसे कृष्ण पीत रक्ताभ वगैरह वगैरह है, जो बहुत सारा दिया हुआ है। एक्चुअली वो मेरी बुक भी है क्लिनिकल मेथड्स की, उसमें पूरा वो मैंने कैटेगराइज किया है उसको, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी उसको दिया हुआ है, तो वो भी ये जीवा परीक्षण में अपन इंक्लूड कर सकते हैं। तो बहुत सारा है उसमें। शर्मा सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हेलो। हाँ संदीप जी। हाँ सर। हेलो। आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल सर। अगर हमें जीवा के फोटो लेने हैं और उसको स्टैंडर्ड पैरामीटर में अगर उसे यूज करना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या है, एसओपी क्या है सर उसका? देखिए मैंने एक अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक अटेम्प्ट किया है किसी ग्रुप ऑफ ऑथर्स ने, उन्होंने जीवा के पिक्चर्स को स्टैंडर्डाइज करके और एक उसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके एक कंपैरेटर काइंड का उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसमें कि आप टंग के पिक्चर को उसमें मैच करके देख सकते हैं। उसको डिटेल में तो उसके बारे में मुझे नहीं आइडिया लगा, बट देयर इज एज यू टोल्ड बिल्कुल ऐसा ही एक कंपेयरिंग काइंड का सॉफ्टवेयर एक डेवलप हुआ है, एंड मे बी आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर मोर अबाउट इट कि ऐसा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, किसने बनाया है, कहां पर अवेलेबल है, एंड कैन वी ऑल यूज दैट और नॉट, बट देयर इज समथिंग लाइक दिस एग्जिस्टिंग। सर दूसरा ये बताना था मुझे कि ये एक पिक्चर है मेरे पास, मैं बताना चाहूंगा। सर ये दिख रहा है आपको? हाँ जी बिल्कुल। सर ये एक कैमरा सपोर्टिंग हाई रेजोल्यूटिंग कैमरा है और रिसेंटली उसके रिगार्डिंग बहुत सारे इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम है और उस इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम में टेस्ट बर्ड खरता रुक्षता जीवा का जो भी बताया है और उसका जो भी पैपिलोफॉर्म वगैरह जो बर्ड्स है उसको काउंट करके उसके द्वारा जीवा का एसओपी रीड किया जाता है। तो हियर इज दिस ऑपरेटिंग मशीन विच हैविंग सर्कुलर एलईडी लाइट्स और उसके साथ ये डीएलसी कैमरा है जिसका पिक्सल बहुत अच्छा है जिसके द्वारा जीवा का हर एक बर्ड्स को गिनकर उसके द्वारा तरह तरह के निरीक्षण यहाँ पर किए जाते हैं और ये फ्रंटलाइज्ड एडजस्टमेंट है और उसके साथ ही यहाँ पर चिन सपोर्ट दिया गया है और उस चिन सपोर्ट के साथ द वर्टिकल एडजस्टमेंट एंड आपको जो भी इमेज लेना है बस इसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस के द्वारा लिया जाता है और उस इमेजिंग ऑपरेटिंग प्रोसेस के बाद आप अपना ये कर सकते हो। तो इस तरह के पिक्चर का स्टैंडर्डाइजेशन क्या हमें, ये तो हो गया एक पार्ट कि वो पिक्चर हम लेंगे और उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, पर सर जीवा ये ऐसी चीज है कि उसके साथ हम जैसा कि नाखून होता है तो नाखून के साथ आपकी चीज फिक्स होती है, इसको घसना नहीं पड़ता है, निर्लेखित नहीं करना पड़ता है या दिन के समय की बात खाना खाने के बाद ये वाले एसओपी नहीं पड़ते हैं।
सीधा नाखून लिया और उसका फोटो लिया और हम उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। पर जीवा ये ऐसी चीज है कि हम उसको किस तरह से स्टैंडर्डाइज करें हो तो बहुत बड़ा मैटर चल रहा है। ऐसी कार सर शायद कुछ बता पाएंगे या वो कुछ कर पाएंगे। हाँ बस आज शुरुआत है स्टैंडर्ड की। हेलो हेलो। हाँ कर सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं ईश शर्मा जी को बधाई देता हूँ, उन्होंने अच्छा तरह से प्रेजेंट किया है, उन्होंने बहुत सारे मटेरियल कलेक्ट करके सबके सामने रखा, ये बहुत काबिले तारीफ है। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ डॉक्टर प्रियदर्शनी है जिन्होंने जीवा परीक्षा पर पूरा काम किया है, उन्होंने दो शायद दो थेसिस हो चुकी है मेरे हिसाब से, उन्होंने कुछ SOP डेवलप की है कि कैसे जीवा का फोटो लेना है, कितने दूरी से लेना है, कितना लाइट अरेंजमेंट रहना चाहिए। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उनसे एक बार रिक्वेस्ट किया जाए, एक बार एक लेक्चर भी ले। तो नेक्स्ट लेक्चर अगर ऐसा रखा जा सके तो जो ऑलरेडी दो रिसर्च हुई है उनको स्टडी करके एक बार मे बी जीवा बच्चा को ओके ओके डिजीज बेस्ड स्टडी हुआ है, कोई डिजीज पे किए डायबिटीज के साथ जीवा परीक्षा इस तरह से किया है उन्होंने, तो उनका लेक्चर करेंगे तो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। जी सर बट ये अटेम्प्ट के लिए ये शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा सर बहुत बेहतरीन लेक्चर रहा आपका, मॉडर्न को बहुत अच्छे से आयुर्वेद में आपने इन्वॉल्व किया, शॉर्ट बट स्वीट और टोटली इट इज इटसेल्फ एज अ नोट्स। थैंक यू वेरी मच सर। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद वो शेयर करने के लिए, अपने जो इंस्ट्रूमेंट शेयर किया। उस संदर्भ में मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, डॉक्टर ओलेग सोरोकिन है रशियन आयुर्वेदिक मेडिकल फेडरेशन के चीफ, उन्होंने एक वो जीवा का सॉफ्टवेयर बनाया है और वो अभी उनका जो वेदा पल्स जैसा उसको मार्केटिंग भी कर रहे हैं उसका, पर वो चाइनीज जो टंग एग्जामिनेशन है उसके ऊपर। हाँ सर, हम जब भी आयुर्वेद की बात करते हर बार हमारे सामने वो चाइनीज टंग ही बार बार आगे आ रहा है, पूरा दिमाग खराब करके रहा है। हाँ बस वही वो चाइनीज वाला कुछ नहीं आएगा, अब चाइना आगे नहीं आएगा, बार बार जीवा के ऊपर पर कुछ वो ऑर्गन को ग्राफ करते हैं और ये इसके लिए प्रेजेंट करता है। ये संदीप सर पट्टा ही नहीं सर, दिमाग के बाहर। हेलो यस सर, यस सर, हम लोग भी तैयार करते हैं ना सर, थोड़ा सा आइडिया आ गया आप तो पिक्चर देख के थोड़ा। हाँ बिल्कुल, समझ में आ रहा है कि संदीप ने इसमें दिखा दिया है। नहीं टेक्नोलॉजीज को मिलके आयुर्वेदिक वे से इसको करना चाहिए, अपने साइंस में बहुत सारे कलर वेरिएशन दिए हुए हैं, वो इसको इजीली अपन इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और उसको along with वो जो specialized conditions दिए है उसको अगर हम software उसका बना सके तो वो बना सकते हैं। देखें academy इस मामले में ये देखे तो लग रहा है कि हम बना सकते हैं, मुझे थोड़ा idea आ गया इस तरह, थोड़ा सा भी और search करता हूँ इसके बारे में। हाँ और प्रिया मैडम से भी input लो। नहीं नहीं इसको क्या है आगे जीवा परीक्षा की शुरुआत हुई है, आगे से फिर कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज में ही, और फिर उसके बाद जो प्रियदर्शनी मैडम ने अपना वर्क कर रखा है उसको भी यहाँ पर आएगा, और संदीप सर ने इंस्ट्रूमेंट दिखा दिया है आज, अब होता है फिर आगे देख कर फिर इसी पे ही जो है इन्वेस्टिंग चालू हो जाएंगे भाई। अभी तो हम मैनुअली देखते हैं, फिर अब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखेंगे तो टंग और क्लियर दिखाई देगी, और आशा है कि इस पे और रिसर्च होगी बढ़िया करके। नहीं सर, इसके पीछे का जो मंतव्य था विवेक जी, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ, वो ये है कि गूगल ने प्यूपिल्स से रिलेटेड जो हमारी कॉर्निया प्यूपिल्स जो होता है उसके फोटो लेने के बाद कोई भी वहां पे डॉक्टर फिजिशियन नर्स कोई नहीं होता, जस्ट आपके कॉर्निया का पिक्चर लिया जाता है और आयरिस और प्यूपिल्स के द्वारा अंदर तक रेटिना वाला जो पिक्चर लिया जाता है उसके द्वारा वो 60 काइंड्स ऑफ डिजीज को डायग्नोस कर पा रहे हैं। यानी वो पेशेंट को कुछ भी नहीं, बस उसकी आईबॉल्स का उसके पिक्चर टिपिकल मैनर में उसे देना है बस, और 60 टाइप्स ऑफ डिजीज में से एक डिजीज बाहर निकल पा रहा है। तो क्या इस तरह का हम जीवा से कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर रखते हुए इतना सारा सर ने तो इस शर्मा सर ने तो कितना बेहतरीन बताया, तो इसके द्वारा अगर हम इसी तरह से जीवा के पिक्चर के द्वारा हम कोई इस तरह से मॉडल तैयार करते हुए उसका कुछ वर्क कर सकते क्या, इतना ही मुझे कहना था। क्योंकि नाउडे इमेजिनिंग टेक्निक्स बहुत ऊपर चला गया है और हमारे नॉन मेडिकल पर्सन जो इंजीनियर वगैरह जो होते हैं वो उनके PhD के लिए मेडिकल का RBC प्लेटलेट WBC यहाँ तक का मलेरियल पैरासाइट वाला भी वर्क वो ऊपर ले जा रहे हैं जो नॉन मेडिकल है, उसके लिए वो को गाइड्स हमारे जैसे जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं उनको अपॉइंट करके वो पिक्चर को अप्रूव कर देते हैं, वो काम में कर रहा हूँ। तो इमेजिनिंग टेक्निक और उसके तरह तरह के पाइथन जावा ये जो कुछ भी
हायर लेवल के हैं, तो ये हायर लेवल की टेक्निक यूज करते हुए उसे स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है, और हम आयुर्वेद वाले पीछे रहते हुए हमारी जीवा को यूज करते हुए जीवा परीक्षण के द्वारा 100 तरह की डिसीजेस बाहर निकाल के लाएगा, तो वो तो हमारे लिए फिर यानी बुरी बात होंगी कि हम होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए। हमारे पास हमारे शास्त्रों में रेफरेंस बहुत है, जीवा के रेफरेंस बहुत सारे बहुत है सर, और हम काम नहीं कर रहे उसके लिए। अगर कलेक्ट करेंगे तो कलेक्ट करने में कई साल गुजर जाएंगे, तो मैटर काफी है इसके ऊपर। वैसे भी नाड़ी मल मूत्र तीन परीक्षाएं तो तब भी बहुत कॉमन मानी जाती है। अब जितनी आने वाली पांच परीक्षाएं वो सबसे टफ परीक्षाएं हैं, जीवा शब्द स्पर्श नाड़ी तरंगिनी बेहतरीन काम कर रहा है हाल फिलहाल। तो बाकी परीक्षाएं क्या आने वाले समय में जो है, मतलब ये रिसर्च के टॉपिक है काफी, मतलब कि इनको हम आगे तो सर वही आयुर्वेद बार बार आगे आने वाला है, और मॉडर्न ही उसको क्रिटिसाइज अपना यूटिलाइज करते हुए उसे आगे की ओर लेके जाने वाला है। बस वो हमारे हाथ से हमारे राइट्स ना चले जाए, वरना फिर से यही होगा, तुम आयुर्वेद वालों ने क्या किया, हमने उसका टेक्नोलॉजी यूज किया, तो फिर वो वही बात। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हमारे सर के सुपरविजन में जो है प्रमोद सर के सुपरविजन में रघुनाथ परिषद की जो कमेटियां बन गई हैं कि हम अपनी चीजों को आयुर्वेद में कैसे लेके आए, और आयुर्वेद को जो है मॉडल से करा के एसओपी कैसे तैयार करी जाए, उससे रिलेटेड कई सारी कमेटियां बन चुकी हैं, और सर मैं आपको आप भी उसके मेंबर हैं, बताई देता हूं कि इस तरह के कुछ अच्छे विषय रखिए सर, जिससे जरा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग होते हुए हम वही ढर्रे को ना चलाए, कुछ नया सोचे। थैंक यू सर, दिस इज फ्रॉम माय साइड। ओके सर जी, ओके। तो आज इस पे जीवा परीक्षा के ऊपर काफी चर्चाएं हुई, और आशा है कि इस टॉपिक को आगे भी और जो है रखा जाएगा, और कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा। अब जैसे नई नई चीजें समझ में आई आज देखने पर, फिर लगता है कि जैसे हम थोड़ा और वर्क इसके ऊपर करें, तो जैसे शास्त्र के अनुसार और बाकी चीजें बताई गई हैं, फिर जैसे संदीप जी ने कहा भी कि एसओपी बननी चाहिए, तो एसओपी तो हमारी हर परीक्षा के ऊपर बननी चाहिए, हर परीक्षा धातु सबके ऊपर, जितने भी यूनिफिकेशन है सबके ऊपर बनकर कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, और उसके लिए हमारी रघुनाथ परिषद काम कर भी रही है, और कमेटियाँ बनाई गई कई सारी जिसके अकॉर्डिंग जो है काम चल रहा है, और सभी को दायित्व दिए गए हैं। अब ये है कि वो पूरा कब होते हैं वो डिपेंड करता है कितना इंटरेस्ट से कोई काम कर रहा है, पर आशा है कि शीघ्र ही पूरे होंगे। अब समय समय पर हमारी मीटिंग भी हो रही है, तो अब धीरे धीरे रिमाइंडर भेजना भी शुरू करेंगे कि भाई क्या फीडबैक क्या है, कितना काम आगे बढ़ा है, धीरे धीरे आशा है कि इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। पवन सर कंक्लूड करें सर, और कुछ तो हमें जो है, हाँ सर कुछ कहना चाहते हैं पवन सर? अंत में फिर जो है मैं इस वर्ष को जो है धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार करा, और इतना टफ टॉपिक लिया जिसके ऊपर की बहुत ही वर्क कम हुआ है और आगे बहुत काम होना है। बिल्कुल, तो बहुत आप बधाई की पात्र हैं पवन सर। संदीप सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग का भी बताया है प्राइमरी क्लास से, और आयुर्वेद को भी इंटीग्रेट करने की बात कही है, तो मुझे लगता है कि अगले 10 साल में हो जाएगा। है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। ईश जी आपको विशेष धन्यवाद, विवेक जी लगे रहे मजे करो, अतुल जी प्रणाम, चलता हूँ, है ना, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, और आपको बधाई दोबारा फिर एकेडमी चेयर शेयर करने के लिए मॉरिशस में, आप अच्छे से जाएं, बढ़िया करें, बहुत बहुत बधाइयाँ, हम सब मॉरिशस घूमने आएंगे आपके पास। ओके थैंक यू बॉस, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है गणेश जी एंड करिए। हाँ सर।